स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तीन लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आज का टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। देखो, आइडेंटिटीज़ तो आप लोग जानते हैं ना। जैसे मान लो आप पढ़ते हो कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये क्या है? ये एलजेब्रिक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि ये a और b की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करती है। आप a और b की कोई भी वैल्यू रखो दोनों साइड पे, ये हमेशा उसको सेटिस्फाई करेगी। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्री में आप बात करते हो रेशियोज की, तो थीटा के लिए करते हो, जो थीटा की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करे। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। जनरली अपन थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है अपने सिलेबस में जो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। सेकेंड इज वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड वन, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज है जो अपने सिलेबस में, ठीक है। ये थीटा की हर वैल्यू सेटिस्फाई करती है। थीटा आप दोनों साइड पे कुछ भी रखो, ये हमेशा उसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है भाई। इनके प्रूफ देख लेते हैं, ये आई कहाँ से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो वो कहाँ से आते हैं? राइट ट्राइंगल से जनरेट करते हैं उस चीज़ को। यस, एक राइट ट्राइंगल ले लिया मैंने यहाँ पे, जिस पे एंगल कितना है थीटा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, क्लियर है बात। अब आपको पता है यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना होता है? एच स्क्वायर। अब आप है ना, एक बार इसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई, या एच स्क्वायर से कर देते हैं पहले, एच स्क्वायर पूरी कोई, तो क्या मिलेगा आपको? बी अपॉन एच होल स्क्वायर प्लस पी अपॉन एच होल स्क्वायर वन। अब आप देखिए यहाँ से बी अपॉन एच क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। दैट इज फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। सेकेंड का प्रूफ देखें, इस बार है ना, आप बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जैसे ही बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ चुके हैं, पी अपॉन बी क्या होता है, पी अपॉन बी क्या होता है भाई? टेन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। एच अपॉन बी सेक, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे थर्ड का प्रूफ देखें तो डिवाइड बाय एच स्क्वायर से कर लिया, बी स्क्वायर से कर लिया, अब किससे कर दें? पी स्क्वायर। जैसे पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर प्लस पी अपॉन पी का होल स्क्वायर एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। बी अपॉन पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बोले? कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वन प्लस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, एंड साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ये तीनों आइडेंटिटीज है जो आपको याद करनी है या रटनी है, ये मान लीजिए आप। अब मैं एक बार फिर से आपको यहाँ बता देता हूँ कि आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस में किस टाइप से अपने को डील करना है। देखिए, जनरली बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में कि सर प्रूफ नहीं होता, क्या करें। रीज़न क्या है कि कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि
कोई जादू की जड़ी है हमारे पास, कि इस जादू की छड़ी को ऐसे घुमा देना और आंसर आ जाएगा तुम्हारे, ये फॉर्मूला लगा देना आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको बोला होगा कि इसको इसके इक्वल प्रूफ कीजिए, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि भाई हमको क्या प्रूफ करना है, तो हम उसको किस हिसाब से डील करें, क्या लेके आना है, किससे क्या लेके आना है, उसके अकॉर्डिंग हमको आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तो अपने पास क्या क्या रिजल्ट्स हैं जो हम इसमें यूज़ लेने वाले हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये सब चीज़ें बार बार काम आएगी, कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, उसके अलावा ज़रूरत पड़ेगी तो साइन थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कोसेक थीटा, ये सब आइडेंटिटीज़ है, हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करती है, कोस थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कोट थीटा, ये सब रिजल्ट्स हैं जो अपने बार बार काम में आएंगे, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लें, एक एक रिजल्ट पता होना चाहिए। बाकी हम क्वेश्चन देख के बात करेंगे कि इस क्वेश्चन में हमको ये करना चाहिए, ठीक है। चलो एक आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं चीज़ों की। प्रूव दैट कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। आपको प्रूफ करना है कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखिए, आप हमेशा क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला पार्ट आपको दिख रहा ना जनरली, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स आता है, उसको लेके चलेंगे और छोटे वाले पार्ट को लेके आने की कोशिश करेंगे, हमेशा ये करते हैं। LHS उठाता हूँ मैं यहाँ से, कोट थीटा प्लस टेन थीटा, इसको मैं इसके जैसा बनाने की कोशिश करूँगा। अब आप ये देखो कि कोट और टेन से कोस और कोसेक और सेक कैसा सकता है, तो अगर डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी लग रही, जैसे आइडेंटिटी के पीछे जाओगे आप, तो आपको वहाँ से दिखेगा नहीं कि कोई आइडेंटिटी इसमें यूज होगी, ऐसा कुछ फॉर्मेट बन नहीं रहा वहाँ पर, ठीक है। तो आप जनरली फिर उसके बाद एक उपाय हमारे पास ये होता है कि आप साइन और कोस में कन्वर्ट करके करने की कोशिश करो, क्योंकि सारी चीज़ें साइन कोस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे टेन है तो टेन को भी आप साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोट को भी चेंज कर सकते हैं, सेक थीटा और कोसेक थीटा को भी साइन कोस में चेंज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक चांस होता है कि हम साइन कोस में कन्वर्ट करके कर लें। बट ये मैं नहीं कहूँगा आपसे कि आप हर क्वेश्चन में यही करें। अगर कोई आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है टेन थीटा वाली का, तो डायरेक्ट टेन थीटा लगाओगे ना, फिर उसको थोड़ा साइन कोस में कन्वर्ट करने बैठोगे। तो आप जो सूटेबल हो इनमें से उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि कोई आइडेंटिटी लगानी चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन कोस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एलसीएम ले लो, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये इधर जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये इधर चला जाएगा साइन के साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना है, वन। तो ये एक्चुअल में क्या बन गया, वन अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, वन अपॉन साइन थीटा इंटू वन अपॉन कोस थीटा। आपको पता है वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और वन अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो देखो टारगेट्स होने चाहिए कि भाई मुझे ये लेके आना है ना, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूँ। क्लियर है बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से वही चीज़ है, प्रूफ करना है आपको वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू वन लाना है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो बेटा, यहाँ से कोई आइडेंटिटी दिख रही है क्या, ये देखो दिख रहा है सीधा ही, वन प्लस टेन स्क्वायर तो क्या होता है, सेक स्क्वायर था। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब आपको डायरेक्ट दिख रहा है तो फिर आप
क्यों इसको साइन कोस में कन्वर्ट करोगे? सीधे लिखोगे ना, इसको क्या लिख दूँ, सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा ये ए प्लस भी ए माइनस भी बनता है क्या, इसको क्या लिख दूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही है। अब मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको कि जैसे मैंने आपको बोला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन, वैसे आप ये रिजल्ट भी याद रखो कि वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया, यहीं से। तो डायरेक्ट याद रखो इनको, क्वेश्चन पर सीधा अप्लाई करेंगे। जैसे मैं आपको बोलूँ कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो आप ये याद रखो कि सेक स्क्वायर माइनस वन दिख जाएगा कहीं मुझे, तो मैं उसकी जगह क्या लिखूँगा, टेन स्क्वायर लिखूँगा, या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या लिखूँगा, वन लिखूँगा, सही है। तो देखें यहाँ से, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। अच्छा क्या सेक और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं क्या, या मैं इस सेक थीटा को वन अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ क्या, बोलो। तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन अपॉन कोस स्क्वायर, दोनों कट के कितना दे देंगे, वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए आसान क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, प्रैक्टिस के लिए देखो ये सब जरूरी है बहुत, है ना। आपको ये वाला पार्ट लेके चलना है और ये वाला पार्ट लेके आना है, एक हमेशा बड़ा वाला पार्ट लेके चलते हैं। ये LHS उठा रहा हूँ मैं यहाँ से, वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा, वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इसमें, कोई आइडेंटिटी आइडेंटिटी लग रही क्या, नहीं है, सब कुछ साइन में ऑलरेडी है। तो मैं यहाँ LCM ले लेता हूँ, जस्ट वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, ये यहाँ चला जाएगा, तो वन माइनस साइन थीटा, ये यहाँ चला जाएगा, वन प्लस साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, टू अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या टू अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, सही। ये कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर, टू सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर है बात। आसान था, कुछ नहीं किया हमने, सिंपली LCM लिया। LCM लेने के बाद यहाँ टू बचा, यहाँ क्या बचा, वन माइनस साइन स्क्वायर। अब ये कोई आइडेंटिटी है कि आपने को याद है, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। तो अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से रटी हुई है ना, तो क्वेश्चन में देखते हैं आपके क्लिक करेगा कि यार इसमें ये पुट कर देते, इसकी जगह ये पुट कर देते, कम से कम आपका ट्राई करने का मन तो करेगा उसको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, सही। वापस से वही चीज़ देखो, इधर क्या चीज़ है, सेक और टेन, इधर क्या है, साइन। आपको जो कन्वर्ट करना है ना, वो साइन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो जस्ट इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। LHS लेके चले, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो ये क्या बन गया, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, वन माइनस साइन, वन माइनस साइन। अब एक बार बताओ, जो चाहिए ना उसमें नीचे क्या आता है, वन प्लस साइन आता है, तो वन प्लस साइन आने के लिए अपन क्या करें, यहाँ कोस स्क्वायर दिया हुआ है ना, आप देखो यहाँ से कोस स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, वन माइनस साइन स्क्वायर। अब ये वन माइनस साइन स्क्वायर जो है ना, ये क्या है एक्चुअल में, वन प्लस साइन इंटू वन माइनस साइन, और वन माइनस साइन थीटा से वन माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास यहाँ से क्या आ गया, ये वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साइन थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा प्लस वन प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा,
इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कोसेक थीटा। ठीक है, आपको ये लेके चलना है और ये लेके आना है। बड़ी टर्म कौन सी, एल एच एस ही है, तो एल एच एस को उठा लो यहाँ से। साइन थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा प्लस वन प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपको देखो जो कन्वर्ट करना है ना, वो किसके अंदर करना है, कोसेक के अंदर करना है। और कोसेक एक्चुअल में क्या होता है, वन अपॉन साइन होता है। तो ये साइन कोस ही बन रहा है यहाँ पे सारा, कहीं किसी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम ले लो, क्योंकि इसके अलावा और कोई दिख नहीं रहा यहाँ ऑप्शन आपको। साइन थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा। अब ये वन प्लस कोस से वन प्लस कोस, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्या बन जाएगा, वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन, और वन प्लस वन कितना आ जाएगा, टू। तो टू प्लस टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा, सही है। अब आप क्या करें, यहाँ से टू कॉमन ले लें, ऊपर क्या आ गया, वन प्लस कोस थीटा, और यहाँ क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा क्या, यहाँ क्या बचा आपके पास फाइनली, टू अपॉन साइन थीटा। और आपको जो चाहिए था उसमें क्या था, कोसेक थीटा। तो आप खुद बताइए, वन अपॉन साइन को क्या लिखा जा सकता है, कोसेक थीटा लिखा जा सकता है क्या, बोलिए। देखो ध्यान से, अपन ने क्या किया, जस्ट यहाँ कोई आइडेंटिटी यूज होती हुई दिखने दी थी, मैंने सिंपली इसको एलसीएम लिया। जैसे एलसीएम लिया, यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा। ये साइन से साइन मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर दे देगा, ये वन प्लस कोस का होल स्क्वायर बन जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या आया, वन, और वन प्लस वन कितना हो गया, टू। टू प्लस टू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा। टू कॉमन ले लिया तो वन प्लस कोस से वन प्लस कोस नीचे का उड़ गया, यहाँ क्या बचा, टू अपॉन साइन थीटा, सही है। और वन अपॉन साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कोसेक थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। देखो अभी इसको सिंप्लीफाई करके टेन लेके आना है, और जो दिया हुआ है वो किस में, साइन कोस में। तो क्या साइन कोस से ऑलरेडी टेन बन जाता है क्या, बन जाता ना, साइन अपॉन कोस टेन होता है। तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। चलो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, पहले लिख देता हूँ मैं एलएचएस कंप्लीट पूरा वैसा का वैसा ही। यहाँ से क्या कॉमन आता है, साइन थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ से देखो, कोस थीटा कॉमन आ जाएगा तो टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखा जाए तो आंसर तो यहीं से आ जाएगा आपका, इसका मतलब ये कैंसिल ही होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनको कैंसिल करना टारगेट है हमारा। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको क्या लिखा जा सकता है, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं यही करता हूँ यहाँ पे ना, इस वाली स्टेप को देखना, साइन थीटा इंटू वन माइनस टू साइन स्क्वायर को क्या लिख दूँ, वन माइनस कोस स्क्वायर। नीचे चेंज नहीं कर रहा मैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट कब होगी, जब ये सेम वेरिएबल में बनेगी ना, तो मैं दोनों को कोस में चेंज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने साइन को कोस में कन्वर्ट कर दिया था। ये तो ऑलरेडी कोस में, इस साइन अपॉन कोस तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अच्छा यहाँ देखो, माइनस माइनस प्लस टू कोस स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, कट जाएगा ये भी। फाइनली ये किसके इक्वल आ जाएगा, टेन थीटा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोस फोर थीटा प्लस साइन फोर थीटा इक्वल्स टू
वन माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए भाई ध्यान से, कोस फोर प्लस साइन फोर इक्वल्स टू क्या प्रूफ होना है, वन माइनस कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर विद एंगल थीटा। चलो इसी टर्म को लेके चलते हैं क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है ना, कम में कन्वर्ट कर देंगे इसको। कोस फोर थीटा प्लस साइन फोर थीटा। एक चीज़ बताओ, यहाँ पावर क्या आ रही, टू आ रही ना, इसको टू में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। आपको एक चीज़ पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, बोलो, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, सही है ना? क्यों? क्योंकि ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। तो ऐसे ही किसका स्क्वायर बन रहा है, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। इसको क्या लिखें, ए प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, वन, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात, आसान था। अब देखो यहाँ पे कोई फिक्स मेथड नहीं है कि भाई ये ऐसा करने पे तो आंसर आ ही जाएगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि आपको क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है। हर क्वेश्चन की यही कहानी है। ये वाला देखो, रूट सेक थीटा प्लस वन अपॉन सेक थीटा माइनस वन, ये बराबर है किसके, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा के। किसकी इक्वल लेके आना है, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा के। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, सेक थीटा, लाना क्या है, कोट और कोसेक, कोट और कोसेक लाना है ना, कहीं ना कहीं साइन कोस ही है भाई। कोट भी क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है, और कोसेक भी क्या होता है, वन अपॉन साइन होता है। इधर सेक दिया हुआ है तो आप क्या करें, इसको चेंज ही कर दें साइन कोस में। आइडेंटिटी तो कुछ दिखती थी यहाँ पे भी, या आइडेंटिटी बनाना चाहो तो बना लो, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी बनाना चाहोगे तो कौन सी बनाओगे, सेक स्क्वायर माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर, तो उसके लिए आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो, अगर आप चाहे तो आइडेंटिटी बना के कर लें, आंसर तो उससे भी क्या आएगा, सेम आएगा। चलो दोनों तरीके से करते हैं इसको। सबसे पहले तो ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, इसको क्या लिखो, वन अपॉन कॉस प्लस वन, वन अपॉन कोस माइनस वन। एलसीएम लोगे तो यहाँ चला जाएगा, तो सिंपली क्या आ गया आपके पास, वन प्लस कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा। अब आपको जो चाहिए ना, उसमें रूट नहीं है सबसे पहले, तो रूट हटाने की तैयारी करो इसमें से। इसमें सबसे पहले रूट हटाने की तैयारी करो। रूट हटाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे दोनों साइड वन प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वन प्लस कोस थीटा से जैसे मल्टीप्लाई किया, ऊपर क्या हुआ, रूट हट गया, क्योंकि अंदर वन प्लस कोस का होल स्क्वायर बन गया। नीचे क्या बना, वन माइनस कोस स्क्वायर, और वन माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। बोलो, रूट के अंदर साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्चुअल में ये क्या आ गया, वन प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। दूसरी बात, जब आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए बात करूँ मैं, अगर आप एक सब्जेक्टिवली इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं कहीं, तो आप है ना इसका रीजन्स लिख दे। जैसे मैंने कहीं यूज़ लिया कि सेक थीटा ये है ना वन अपॉन कोस, तो यहाँ इसके पीछे ब्रैकेट में लिख दें इस चीज़ को, बिकॉज सेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कोस थीटा। तो जो भी चीज़ आप काम में ले रहे हो ना, उसको लिखते जाना पीछे भी। अब इसको मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ, वन अपॉन साइन प्लस कोस अपॉन साइन कर सकता हूँ ना, अलग अलग कर सकता हूँ। वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट थीटा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइन थीटा इंटू वन प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू वन प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, सही है।
अच्छा इसकी मैं आपसे बात कर रहा था, इसको भी देख लो एक बार वापस से। मैं इस पर क्या था कि डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, कैसे आप क्या करते, साइन थीटा बना देते कहीं ना कहीं, सॉरी टेन थीटा बना देते, सेक स्क्वायर माइनस वन होता ना, तो आप क्या करें इसमें इस डिनोमीटर को सेक थीटा माइनस वन बना दो। तो इसको क्या लिखो, सेक थीटा प्लस वन और सेक थीटा प्लस वन। आपने जस्ट क्या किया, सेक थीटा प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ वन प्लस कोस किया ना वैसे यहाँ इसे कर दिया। अब ऊपर क्या बन गया, सेक थीटा प्लस वन, नीचे क्या बन गया, सेक स्क्वायर माइनस वन, टेन स्क्वायर 12 के क्या जाएगा, टेन थीटा। अब कन्वर्ट कर दो, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा। सेक क्या होता है, वन अपॉन कोस, और ये क्या होता है, साइन अपॉन कोस। ये वापस से क्या बन गया, वन अपॉन कोसेक प्लस कोट थीटा, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, देखो एक ही क्वेश्चन को कितने ही तरीके से किया जा सकता है, यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी अप्रोच क्या थी, आपने साइन कोस में कन्वर्ट किया या आपने किसी और तरीके से कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर दिया, अलग अलग तरीके से प्रूफ हो सकता है एक ही क्वेश्चन। बस आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए आपका, और आइडेंटिटी बिल्कुल सही लगानी चाहिए। अब देखो यहाँ पे LHS लेके चले, हमेशा बड़े पार्ट पे लेते हैं, साइन थीटा वन प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा वन प्लस कोट थीटा, दिख रहा है ना यहाँ पे भी कोस एक प्लस एक, मतलब कहीं ना कहीं साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। इसको क्या लिखें, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वन प्लस कोट थीटा, क्या लिखें, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस, या एक काम करो सीधा, हाँ ठीक है इससे भी आ जाएगा ना, कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। जस्ट एलसीएम लिया है आपने, कुछ भी नहीं किया अभी तक यहाँ पे, एलसीएम इन दोनों को एलसीएम लेके सिंपलीफाई किया ये। अब यहाँ से क्या कॉमन आ गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, जैसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा आपके पास वापस से, फिर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और डिनोमीटर में क्या आ गया, साइन थीटा कोस थीटा। तो एक्चुअल में साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बन गया, बोलो। देखो यहाँ से, यहाँ पे आपने क्या लिया था, कोस एलसीएम लिया तो कोस प्लस साइन हो गया, ऐसे यहाँ पे भी क्या साइन प्लस कोस हो गया, साइन प्लस कोस आपने कॉमन लिया तो यहाँ फिर क्या गया, साइन प्लस कोस आ गया, अपॉन में क्या बन गया, साइन थीटा कोस थीटा। नहीं यहाँ पे गड़बड़ कर देना अपन ने, यहाँ पे अलग अलग है ना, क्योंकि एलसीएम कितना आता है, साइन थीटा कोस थीटा, तो ये भी तो आएगा इसके साथ, साइन नहीं आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, सही है। अब एलसीएम लो आप यहाँ पे क्या चीज़, सॉरी एलसीएम क्या, यहाँ से क्या कॉमन ले लो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आ गया, साइन थीटा कोस थीटा। देखो ये चीज़ तो कितनी हुई आपके पास, वन, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब अलग अलग कर दो इनको, ये कट जाएगा क्या, साइन से साइन, वन अपॉन कोस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन कोस क्या होता है बेटा, सेक थीटा, और वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। तो आपको यही लाना था, देखिए
हाँ यहाँ गलती कर दी अपन ने वहाँ पे, ये इसको मल्टीप्लाई भी तो करना था, जल्दबाजी में चेंज कर दो। देखो ध्यान से, ये दिया हुआ था तो आपने सबसे पहले क्या किया, इस टेन और कोट को साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया, टेन को साइन अपॉन कोस लिख दिया, कोट को कोस अपॉन साइन लिख दिया। उसके बाद सिंप्लीफाई करते गए, सिंप्लीफाई करते गए, अपने आप यहाँ तक पहुँच गए। बस एक जगह एक चीज़ काम में आई है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो होता है। तो आज की क्लास को ये वाइंड अप करते बेटा, नेक्स्ट क्लास में आइडेंटिटीज़ को फिर कंटिन्यू करेंगे, इस पर थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।